अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास फोर की साइंस के चैप्टर नंबर वन अपनी पहचान अंडरस्टैंडिंग अर्सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। इस बाब में हम सीखेंगे इंसानी जिस्म का तारुफ, जिस्म के अहम हिस्से और उनके आफाल। एक मशीन की तरह शक्ल 1:1, हमारे जिस्म के भी बहुत से हिस्से हैं। इन हिस्सों को आज़ा ऑर्गन्स कहते हैं। आज़ा एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म मुख्तलिफ आफाल सर अंजाम देता है। जब हम आईना देखते हैं तो हमें अपने बहुत से अज़ा नज़र आते हैं, मसलन आँखें, कान, नाक वगैरह। ये अज़ा बैरूनी अज़ा कहलाते हैं। आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंसानी आँख। आँख हमारी देखने में मदद करती है। इंसानी आँख के बारे में मजीद मालूमात के लिए किताब की तरफ चलते हैं। आँखें देखने में हमारी मदद करती हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी खूबसूरत अशिया, मसलन सब्ज पौधे, नीला आसमान और रंग बिरंगी चीज़ें मौजूद हैं। आँखों की मदद से हम ये खूबसूरती देखते हैं। शक्ल 1:3। आइए अब आँख के बारे में एक वीडियो देखते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस वीडियो में हम आँखों के देखने के बारे में बात करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं इस सवाल से, आंखें क्या हैं? वेल, आंखें आपकी बॉडी का हिस्सा या ऑर्गन है। बिल्कुल सही सुना आपने, आईबॉल आपकी बॉडी का ऑर्गन है। ये बात मुझे तो बहुत हैरानकुन और बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। आपका क्या ख्याल है? चलें अब अगला सवाल। आपकी आंखें क्या काम करती हैं? सोचे सोचे, आप ये कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सोचा, शाबाश। आपकी आंखें इर्द गिर्द की चीजें देखने में मदद करती हैं। आपकी आंखें टिश्यूज का स्पेशल ग्रुप है जो देखने में मदद करता है। इनफैक्ट आप अभी भी अपनी आंखें ही इस्तेमाल कर रहे हैं ये वीडियो देखने के लिए। ओके, तो अब आपकी आंखें स्क्रीन पर क्या देख रही हैं? मुझे तो ये एक बहुत ही प्यारा सा पपी लग रहा है। एक रिव्यू करते हैं। आंखें स्पेशल ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं। हम आंखों के जरिए इर्द गिर्द की चीजें देखते हैं। चलिए अब वापस मिस डीएनए की तरफ चलते हैं। अब हम इंसानी कान के बारे में बुनियादी मालूमात लेते हैं। कान, ears। स्कूल का वक्त खत्म होने पर जब घंटी बजती है तो हम खुश होकर घरों को जाने के लिए अपने स्कूल के बस्ते बंद करना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हमें आवाजें सुनने में मदद देता है? कान। कान ऐसे आज़ा हैं जो हमारी इर्द गिर्द की आवाजें सुनने में मदद देते हैं। शक्ल 1:4। दांत हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है। दांतों की दो बुनियादी इकसाम हैं। आइए देखते हैं, दूध के दांत, मिल्क टीथ, मुस्तकिल दांत, परमानेंट टीथ। दांत, टीथ। दांत हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। उनकी मदद से हम अपनी खुराक को चबाते हैं। शक्ल 1:5। अपने मुंह में मौजूद दांतों को गिनें और उनकी तादाद बताएं। दांतों के दो सेट होते हैं। इनमें से एक सेट दूध के दांतों का है जबकि दूसरा सेट मुस्तकिल दांतों का है। दूध के दांत, मिल्क टीथ। दूध के दांत 6 महीने की उम्र में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर 3 साल की उम्र में इनकी तादाद 20 होती है। शक्ल 1:6। सरगर्मी 1:2।
अपने दोस्तों के बारे में दर्ज ज़ैल डेटा इकट्ठा करें, दोस्त का नाम और किस उम्र में पहला दांत गिरा, मुस्तकिल दांत, परमानेंट टीथ, 5 से 6 साल की उम्र में दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, इनकी जगह मुस्तकिल दांत ले लेते हैं, जिनकी तादाद 32 होती है, शक्ल 1:6, सरगर्मी 1:3, दी गई शक्ल को गौर से देखें, बच्चे के दांतों को क्या हुआ है और इसकी वजह क्या है? क्या आप जानते हैं चीन में हर साल लोग अपने दांतों से प्यार करें का दिन मनाते हैं? दांतों के मुख्तलिफ अकसाम के बारे में जानने के लिए ये वीडियो देखते हैं। हाउ टीथ ग्रो, क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चों के मुंह में कोई दांत नहीं होता? हमारे प्राइमरी या बेबी टीथ हमारे पैदा होने से पहले ही उग जाते हैं, लेकिन हमारे पहले प्राइमरी टीथ तब तक गम से बाहर नहीं आते जब तक हम 6 या 7 महीने के नहीं हो जाते। जब तक हम 3 साल के होते हैं सारे प्राइमरी दांत निकल आते हैं और ये हमें नज़र भी आते हैं, या शायद इनका कुछ हिस्सा हमें नज़र नहीं आता। इमेजिन करें, आप एक्सरे वीजन देख सकते हैं, तो ये आपके दांतों का व्यू है। ये देखें, इनकी पॉइंटी रूट्स हैं। हमारे प्राइमरी टीथ बहुत अहम होते हैं और इसीलिए हमें इनकी बहुत देखभाल भी करनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मुंह में सिर्फ यही दांत नहीं होते, हमारे परमानेंट टीथ गम के निचली साइड पर मौजूद होते हैं और इनका सिर्फ टॉप और क्राउन ही बनता है। इनकी रूट्स बाद में डेवलप होती हैं। बेबी टीथ परमानेंट टीथ के लिए जगह रखे होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं परमानेंट दांत आहिस्ता आहिस्ता उगते हैं और बेबी टीथ की जगह ले लेते हैं। जब हम 6 साल के होते हैं हमारे पहले परमानेंट मोलर्स मुंह की बैक साइड पर निकल आते हैं। ये बात याद रखें कि परमानेंट टीथ इन मोलर्स के आने से पहले नहीं गिरते। बिल्कुल इसी वक्त सामने के परमानेंट टीथ भी उगना शुरू कर देते हैं। क्या आपने अपने किसी दोस्त का दांत हिलता हुआ या गिरता हुआ देखा है? प्राइमरी टीथ इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि इनकी जड़ें हल्की होती हैं, इसलिए जब प्राइमरी टीथ गिरता है तो इसकी जड़ छोटी और खोखली होती है। जब हम 14 साल के होते हैं तो सेकंड मोलर्स और दूसरे परमानेंट दांत उग आते हैं और ये हमारे मुंह में नज़र भी आते हैं। तमाम प्राइमरी टीथ अब रिप्लेस किए जा चुके हैं। Our teeth are one of the strongest parts of our body. They are made from, in addition to helping us chew through even the toughest foods, they also help us speak clearly. Most adults have 32 teeth, called permanent or secondary teeth. 8 incisors, 4 canines, also called cuspids, 8 premolars, also called bicuspids, 12 molars, including 4 wisdom teeth, whereas children have 20 teeth. All 8 of our incisor teeth are located in the front part of our mouth. We have 4 of them in our upper jaw and 4 in our lower jaw. They have sharp edges that help us bite into food. Whenever we sink our teeth into something, such as an apple, we use our incisor teeth. The very first teeth we grow are incisors, appearing when we are around 6 months old. Canines are 4 teeth which sit next to the incisors. We have 2 canines at the top of our mouth and 2 on the bottom. Canines have a sharp, pointy surface for tearing food. Canines are also called cuspids. Premolars are 8 in number and sit next to your canines. There are 4 premolars on top and 4 on the bottom. Premolars are bigger than canines and incisors. They have a flat surface with ridges for crushing and grinding food into smaller pieces to make it easier to swallow. Baby molar teeth are replaced by adult premolars. Infants and young children do not have premolars because these teeth do not start to come in until around age 10. Molars are 12 in number and are our biggest and strongest teeth. We have 6 on the top and 6 on the bottom. The large surface area of your molars helps them grind up food. When you eat, your tongue pushes food to the back of your mouth. Then, your molars break up the food into pieces small enough for you to swallow. You recall, which type of teeth are the first ones we grow?
ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हड्डियों की ज़रूरत होती है। हड्डियों के बारे में जानने के लिए पहले किताब से मुताला करते हैं। हड्डियाँ, बोन्स, शक्ल 1:7 को देखें। ये हमारे जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियाँ हैं जो हमारे जिस्म की साख्त बनाती हैं। हम इस साख्त को ढांचा यानी स्केलेटन कहते हैं। इंसानी जिस्म में हड्डियों की तादाद 206 है। ढांचे की हड्डियाँ हमारे जिस्म को सहारा देती हैं। हड्डियाँ हमारे जिस्म की शक्ल सूरत को बरकरार रखती हैं। ढांचा हमारे जिस्म के नरम व नाजुक हिस्सों की हिफाजत करता है। मसलन पसलियाँ हमारे दिल की हिफाजत करती हैं। हमारे दिमाग की हिफाजत ढांचे का कौन सा हिस्सा करता है? हड्डियों को जोड़ों के जरिए मजीद सहारा मिलता है। ह्यूमन बॉडी में जोड़ कितनी तरह के होते हैं, आइए जानते हैं। जोड़, जॉइंट्स। हमारे जिस्म में जहाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है उसे जोड़ यानी जॉइंट कहते हैं। जोड़ हरकत करने में मदद देते हैं। कुछ जोड़ आपस में जुड़े होते हैं और हरकत नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमारी खोपड़ी के जोड़। कुछ जोड़ कम हरकत कर सकते हैं, मसलन हमारी रीढ़ की हड्डी के जोड़। और कुछ जोड़ बहुत ज़्यादा हरकत करते हैं, मसलन कोहनी और घुटने के जोड़ वगैरह। शक्ल 1:9। सरगर्मी 1:4। दी गई शक्ल में जोड़ों की शनाख्त करें और उनमें मुख्तलिफ रंग भरें। आइए अब मसल्स के बारे में जानते हैं। पट्ठे, मसल्स। पट्ठे हमारे जिस्म में बहुत से अफाल अदा करते हैं। पट्ठे हमें दौड़ने, अशिया को उठाने, लिखने और बहुत से दीगर कामों में हमारी मदद करते हैं। शक्ल 1:10। पट्ठों की मदद से जिस्मानी हरकत, मूवमेंट ऑफ आर बॉडी बाय मसल्स। पट्ठे सुकड़ और फैल सकते हैं। हड्डी पट्ठों के साथ जुड़ी होती है और पट्ठे सुकड़ कर या फैल कर हड्डी को हरकत देते हैं। जब दिमाग से कोई भी पैगाम पट्ठों को मिलता है तो ये सुकड़ते और फैलते हैं। मसलन अगर आप कोई किताब उठाना चाहते हों तो दिमाग पट्ठों को पैगाम भेजेगा। पैगाम के मौसूल होने पर पट्ठे सुकड़ते हैं और अपने साथ जुड़ी हुई हड्डी को ऊपर की तरफ उठाते हैं। शक्ल 1:11। इसके बाद पट्ठे फैल जाएंगे और अपनी असली हालत इख्तियार कर लेंगे। इस तरह आप अपनी किताब या दूसरी अशिया को उठा लेते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे जिस्म में 600 से ज़ायद पट्ठे हैं? उम्मीद है कि आपको आँखों, कान, दांतों, हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। अब हम इस टॉपिक से मुतल्लिका एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। इन जानवरों के दांत मिसिंग हैं। ऊपर दिए गए दांतों के सेट में से सही सेट को ड्रैग करें और ईट के बटन पर क्लिक करें। आपको क्या लगता है कौन सा दांतों का सेट कौन से जानदार के लिए सही है? अब हम एक और एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सिमुलेशन से टॉपिक के बारे में सब समझ आ गई होगी। आइए अब हम कुछ सवाल के जवाब सोचते हैं। के लिए एक और सवाल को देखते हैं। ये दांतों मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। पेंगुइन अब हम के दांत अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपने बिल्कुल सही गेस किया है। स्क्रीन के टॉप पर दी गई इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और दांतों के सेट का सही से मुआयना करें।
मैग्नीफाइंग ग्लास पर क्लिक करें और ये देखें कि किस तरह इंसानों, शेर और भेड़ के दांत खुराक के लिए बने हैं। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स। क्या आप शेर और भेड़ के दांतों में फर्क कर सकते हैं? इस फर्क को अपनी नोटबुक में लिखें। एक और एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। बॉडी पार्ट्स। इस सिमुलेशन में मुख्तलिफ बैरूनी बॉडी पार्ट्स को लेबल करते हैं। नोज, माउथ, हेयर, आई, ईयर। बहुत खूब, अब अगले लेवल की तरफ चलते हैं। लेवल टू, लेग, फुट, हैंड, हेड, नेक, आर्म, शोल्डर। कंग्रेचुलेशंस, आपने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की ये गेम भी बखूबी मुकम्मल कर ली। अब हम इस टॉपिक से मुतल्लिका एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। इन जानवरों के दांत मिसिंग हैं। ऊपर दिए गए दांतों के सेट में से सही सेट को ड्रैग करें और ईट के बटन पर क्लिक करें। आपको क्या लगता है, कौन सा दांतों का सेट कौन से जानदार के लिए सही है? अब हम एक और एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सिमुलेशन से टॉपिक के बारे में सब समझ आ गई होगी। आइए अब हम कुछ सवाल के जवाब सोचते हैं। के लिए एक और सवाल को देखते हैं। ये दांतों मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। पेंगुइन के दांत अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने बिल्कुल सही गेस किया है। स्क्रीन के टॉप पर दी गई इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और दांतों के सेट का सही से मुआयना करें। मैग्नीफाइंग ग्लास पर क्लिक करें और ये देखें कि किस तरह इंसानों, शेर और भेड़ के दांत खुराक के लिए बने हैं। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स। क्या आप शेर और भेड़ के दांतों में फर्क कर सकते हैं? इस फर्क को अपनी नोटबुक में लिखें। एक और एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। बॉडी पार्ट्स। इस सिमुलेशन में मुख्तलिफ बैरूनी बॉडी पार्ट्स को लेबल करते हैं। नोज, माउथ, हेयर, आई, ईयर। बहुत खूब, अब अगले लेवल की तरफ चलते हैं। लेवल टू, लेग, फुट, हैंड, हेड, नेक, आर्म, शोल्डर। कंग्रेचुलेशंस, आपने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की ये गेम भी बखूबी मुकम्मल कर ली। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सिमुलेशन से टॉपिक के बारे में सब समझ आ गई होगी। आइए अब हम कुछ सवाल के जवाब सोचते हैं। एक और सवाल को देखते हैं। एक और सवाल को देखते हैं। एक और सवाल को देखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।